अब कभी कभी माँ बाप दुखी होते हैं कि बच्चे उनको छोड़ जाते हैं, बच्चे पसंद नहीं करते हैं कि बूढ़े माँ बाप को, वो रोगी हो गए हैं तो अब उनका ख्याल करें, उनका केयर करें, तो वो कहते नर्सिंग होम में डाल दो, वृद्धाश्रम में डाल दो, सत्संग में भेज दो। देखो अब कईयों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा, अच्छा गुरु माई है, सत्संग है, तो जाओ ना, बा सुन लो, सुनी नो, जाओ सत्संग सुनो। ये उतने घंटे तो गई बुढ़ी, जाओ जाओ। और कई तो राजकोट से, नवसारी से, कहाँ कहाँ से भी आते हैं, वो कहते वहाँ जाओ चार छः दिन वहीं रह लेना, रिश्तेदार है, काकी है, चाची है, मामी है, रोज रोज थोड़े मिलते सत्संग, तो बुढ़ा बुढ़ी को भेज देते। और सत्संग बड़ा अच्छा बहाना है, और कुंभ आवे तो और भी अच्छा हो जाता है, दूर दराज जाओ और कभी कभी बूढ़ा बूढ़ी को वहीं छोड़ाओ, भूल ही गए। मुझे याद आता है, मैं एक कुंभ में, इलाहाबाद के कुंभ में, मैं वहाँ महीना भर शिविर बना के रुकी। तो हमारा जहाँ शिविर था उसके पास ही गुमशुदा की तलाश का सरकार का जो कैंप होता है ना, वो वहीं था। तो दिन भर लाउड स्पीकर से आवाज़ आती रहती थी, अहमदाबादनी राधे श्याम यहाँ पे बैठे हैं, उनके बेटा बहू जहाँ हो वो परेशान ना हो, वो जल्दी से यहाँ आ जाए। तो फिर कहते अच्छा राधे श्याम आप बोलो, वो खुद ही राधे श्याम माइक में बोल रहा होता था, अरे मुन्ना मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कब से गुम हुआ पड़ा हूँ, मुझे यहाँ से आके ले जाओ। अब लाखों की भीड़ है, तो एक के बाद एक, कभी कोई माई, कभी कोई भाई, कभी कोई बेटा, कभी कोई, बस वो अनाउंसमेंट दिन भर चलते रहते थे, दिन भर चलते रहते थे। व्यवहार करना अच्छी बात है, पर परमार्थ को साधे बगैर अगर सिर्फ व्यवहार को ही हम इम्पोर्टेंट बना देंगे तो बड़ा दुख पाएंगे। देखिए संसार हम किसको कहते हैं, संसार शब्द को अगर हम समझे, जो संसरित होता रहे वो संसार है। संसरित मतलब जो बदलता रहे, क्षण क्षण में जो बदलता रहे उसे हम संसार कहते हैं। माने आज जैसा है वैसा वो कल नहीं रहेगा, जैसा शरीर आपका कल था क्या आज आपका वैसा ही है? मूर्त रूप से मोटे तौर पे देखेंगे तो लगेगा सेम, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। एट मॉलिक्यूलर लेवल चेंजेस हो गए, स्किन में चेंजेस हो गए, बाल में चेंजेस हो गए, नहीं तो नाखून हर 15 दिन में काटने की जरूरत क्यों पड़े, बढ़ गया ना, इधर काटो इधर फिर काटो फिर काटो। ये पुरुष लोग शेव करते हैं, कल करी थी अगले दिन फिर करेंगे फिर करेंगे फिर करेंगे, तो बाल उग रहे हैं, रोम उग रहे हैं, नाखून उग रहे हैं, ये तो एक्सटेंशंस हैं जो हमको दिखती हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर, सेलुलर लेवल पर जो चेंजेस आ रही हैं वो तो हमें विजिबल नहीं है, मोटे तौर पे तो दिखती नहीं, तो हम कहते हैं ये वही है। ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलते हैं अच्छा पहले तो बड़े मोटे थे अब पतले हो गए, और आप मोटे पतले को तो देख पाते हैं लेकिन उसके सेल्स के, कोशिकाओं के तल पर क्या चेंजेस आई हैं वो तो आप नहीं देख पा रहे। अगर वो चेंजेस ना होती तो बच्चा कभी जवान नहीं होता और जवान कभी बूढ़ा ही नहीं होता। कुछ तो है ना जो बदल रहा, तो जो बदलता रहे वह है संसार। तुम्हारा कल वाला शरीर आज नहीं है, हम भी कल वाले नहीं, हम भी बदल गए। मैं कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, आपके वस्त्रों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके शरीर की बात कर रही हूँ। अच्छा शरीर ही बदला कि आपका मन भी बदल गया? कल जब आए थे तो मन में कुछ और भावनाएं थी, आज आए हैं आज कुछ और भावनाएं, कल मन की कुछ और स्थिति होगी, आज कुछ मन की और स्थिति है, मन भी बदल गया, पन्नाल में भी चेंजेस। तो सृष्टि में निरंतर ये परिवर्तन होते रहते हैं, ये बदलाहट होती रहती है, और इन परिवर्तित होते हुए को ही तो हम संसार कहते। ऐसे बदलते हुए संसार को अब आप देख के कहो भाई कुछ बदलना नहीं चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आज जो आपका दोस्त है कल शत्रु हो जाता है, आज जो लोग आपसे अच्छा व्यवहार कर रहे थे कल नहीं करते हैं, आज कोई आपको हाथ जोड़ रहे कल नहीं जोड़ते, उल्टा भी हो सकता है,
कल हाथ नहीं जोड़ते थे आज जोड़ रहे हैं, कल आपसे लड़ते थे आज आपसे दोस्ती कर रहे हैं। तो जहाँ रोज चीज़ें बदल जाएं उसी को संसार कहते हैं। तुम्हारे शरीर सहित पूरा संसार बदल रहा है, ये उसका स्वभाव है, तो उसके स्वभाव को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ऐसे में कोई रिश्तेदार नाराज हो जाए तो थोड़ा यहाँ से ज्ञान का तीर चलाओ और कहो ये तो होना ही था, कोई बात नहीं। किसी के मरने की खबर आ जावे तो फिर यहाँ से ज्ञान मंथन करो, ये तो होना ही था। किसी के जन्म हो गया तो ये तो, और किसी के बच्चा पैदा हो गया, भाई शादी होगी तो बच्चे भी तो। मैं वैसे मजाक कर रही थी कि हिंदुस्तान की इतनी जनसंख्या बढ़ गई, कोई जगह ही नहीं बचती, भीड़ 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 सब जगह। मैंने कहा, मेरे मन में ऐसा एक ना वाइल्ड सा विचार आया कि सरकार ऐसा कानून क्यों ना बना दे कि अगले 5 साल तक कोई शादी नहीं होगी। शादी होगी तो जब बच्चा कोई नहीं पैदा होगा, 5 साल का अगर गैप मिल जाए ना तो हिंदुस्तान की जनसंख्या में काफ़ी कंट्रोल हो जाए। हमारे एक साधु तो हंसते थे, एक ने कहा महाराज आपने शादी क्यों नहीं करी, कह रहे मैं देशभक्त हूँ मैंने इसलिए शादी नहीं करी। बोले देशभक्ति का शादी करने से क्या संबंध, कहते देखो मैं देशभक्त हूँ इसलिए मैंने शादी नहीं करी, तो जिससे मैं कोई बच्चा पैदा ना करूँ, पहले ही थी जनसंख्या हुई पड़ी, कोई तो कम करे, तो हम कम कर रहे। तो हमारी वजह से इस धरती में बोझ नहीं पड़ेगा, हम जनसंख्या कम कर रहे। तो मजाक में वो महात्मा ऐसा बोलते थे, बोले हम देशभक्त हैं इसलिए, ईश्वर भक्त ने गुरु भक्त ना बोले, बोले हम तो देशभक्त हैं इसलिए हम। अब बच्चा हो जाए किसी का तो इसमें ना खुशी ना हैरानी, समता में रहे, क्या बोले ऐसा तो हो नहीं था। बोले लड़की जवान हो गई है, किसी लड़के के साथ भाग गई है, तो भी बोलना ऐसा तो हो नहीं था। अब बोले छोरी ने शादी कर दो जल्दी जल्दी, तो कर दो। अच्छा शादी हो गई कार्ड आवे तो, बोलो ऐसा तो हो नहीं था। कोई रोगी हो जाए तो अब तो इसमें चिंता की क्या बात है, भाई आप योगी तो हो नहीं, जो योगी नहीं होगा और भोगी होगा वो एक दिन रोगी होगा, समझ रहे हो। जो योगी नहीं होगा भोगी होगा, वो भोगी एक दिन रोगी। अति भोग करने से ज़्यादा खाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक रेट खराब होता है, हमारे पेनक्रियास खराब होता है, ज़्यादा चिंता करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ता है, माने बीपी होता है, लो होवे हाई होवे। आप ज़्यादा चिंता करते हैं, ज़्यादा वसा खाते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का जमावड़ा होगा तो हार्ट का इशू हो जाएगा। अधिक भावुक जो होते हैं ना, बड़े इमोशनल वाले लोग, उनका तो हार्ट अटैक होना तय है। तो दिल से मोहब्बत है ना अगर, तो भावुक ज्यादा मत हुआ करो, बात बात पर रोने लग जाओ, बात बात पर रोने लग जाओ। कोई रोने की बात भी हो जाए ना तो सोचो, कोई रोने की बात हो गई तो उस समय कहा करो ठीक है मैं ठीक है, मेरा दिल ठीक है, दिल ठीक रखना चाहिए, मरने वाला मर गया अब मैं क्या करूँ, मेरा दिल ठीक रहना चाहिए। अच्छा जो ज्यादा क्रोध करते, मैंने होते ना चढ़े घोड़े सवार, बात बात पे गुस्सा, बात बात में गाली देते हैं, जो ये हिस्ट्री है, किसी ने इसका डेटा कवर नहीं किया होगा शायद, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन में ये बात रही है, अति क्रोध करने वाले, अति हाइपर रहने वाले लोगों का ब्रेन हेमरेज, क्योंकि दिल तो उनके पास होता ही नहीं है ना, दिमाग ही दिमाग होता है, बेचारे दिमाग पर इतना वजन डाल देते हैं कि नस फट जाती है, क्लॉट आ जाता है या कुछ हो जाए। तो इसलिए कोई मैंने आज सोचो ना, आप यहाँ से उठ के घर जाओ तो आपके बच्चे ने कोई आपका मिक्सी किचन का या कोई फ्रिज या कोई ऐसा टीवी आइटम कुछ ख़राब कर दिया है, तो गुस्से में लाल पीला बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि यहाँ हाथ फेरना ठीक रहे बेटा ठीक रहे, ये दिमाग समझे। और कोई बड़ा सैड सा दुख वाला कोई किस्सा हो जाए, कोई गम भरा किस्सा आपको सुनावे ना, तो धीरे धीरे ऐसे ना ठीक रहे मैंने अंदर बोलियो मत जाए, पूछेगा सामने ले क्या बोल रहा है, पागल हो गया है क्या, ठीक है क्या बोल रहे हो। तो ज़्यादा सेंटिमेंटल ज़्यादा भावुक होते हैं तो दिक्कत है, और ज़्यादा क्रोध में रहते, ज़्यादा गुस्सा खाते, बार बार पे खींचते हैं, तो उससे ये
एक ऐसा हार्मोन हमारे शरीर में, हार्मोन मतलब एक ऐसा स्राव, एक ऐसा तत्व, एक ऐसा केमिकल रसायन हमारे शरीर में उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल अगर रक्त में रहेगा तो ये हमारे को हाइपरटेंशन से लेके, कार्डियक अरेस्ट से लेकर के, क्लॉट से लेकर के, ब्रेन हेमरेज से कुछ भी तकलीफ दे सकता है, किसी भी वाइटल ऑर्गन के ऊपर वो अफेक्ट डालता है। इसलिए आज जो मॉडर्न मेडिकल साइंस वो ये कहती है कि अगर आप निरंतर चिंता करते रहेंगे तो आपके रक्त में कॉर्टिसोल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो बीमारी जल्दी आएगी। इसलिए ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए, और कोई जन्म ले ले, कोई मर जावे, कोई नफा हो जावे, कोई नुकसान हो जावे, तो एक छोटा सा स्टेटमेंट याद कर लो, ये तो होना ही था, इतना मुश्किल तो नहीं है ना। मैं कोई आगम भाषा में तो बोल नहीं रही, ना मैं संस्कृत में बोल रही, मैं तो सिंपल सी भाषा, ये तो होना ही था। तो जब होना ही था तो उसमें क्या रोना। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप इस प्रकार से अपने मन को वेगों में बहने नहीं देंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, तभी तो संसार का कर्म भी कर सकेंगे, धर्म का कर्म भी कर सकेंगे, अध्यात्म का कर्म भी कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि आज क्रोध करे तो आज ही ब्रेन हेमरेज हो जाए, ना 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 ना, क्रोध करते 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 वो धीरे 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 अंदर ये जो कलेक्ट होता जाता है तो वो प्रभाव दे जाता है। एक ही दिन में तो हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आता। इसलिए कुछ नियमों का पालन तो सबको करना ही चाहिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु, युक्तिपूर्वक आहार खाए, युक्तिपूर्वक व्यवहार करे, युक्तिपूर्वक सोचे, युक्तिपूर्वक भावनाओं को उत्पन्न होने दे। Do not allow these things to happen on a whimsical mode. ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग कहते जी मुझे तो गुस्सा नहीं आता, सामने वाले दिला देते। भाई तुम बेवकूफ हो, तुमने रिमोट कंट्रोल उनको क्यों दिया है अपना, मत दो उनको। एक ने कहा जी आप कहते हो शांत रहो, आप मेरी श्रीमती को मिले नहीं हो। मैं क्यों? कहते जिस दिन मिल लेंगे ना तो आप कहोगे गला दबा दे सोते में इसका। क्या बात बोलते हो भाई। कभी कभी हमारे परिवारों में कोई ऐसा एक सदस्य होता है जो बहुत टेढ़ा है, तो टेढ़े सदस्य के साथ अगर आप भी टेढ़े हो जाएंगे तो दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, झगड़ा ऐसा बढ़ जाएगा। तो जब आपके परिवार में कोई टेढ़ा हो तो ये समझिए कि ईश्वर आपको धैर्यवान बनाने के लिए इस व्यक्ति के संसर्ग में रखे बैठे हैं कि आपका कितना धैर्य है, आपकी कितनी बौद्धिक क्षमता है, आप कितने विवेकी हैं। हाउ विल यू डील विद दैट पर्सन एंड नो इट, इफ यू हैव राइट सेंसिबिलिटी देन यू कैन डील विद एनी डिफिकल्ट पर्सन, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आपके पास शकल नहीं है तो आप तो साधु महात्मा गुरुओं से भी नाराज होकर के घर में चले जाओगे। ऐसा होता, हम अपने जीवन को इस तरह ना जिए कि हम बस लड़ने को तैयार हैं या रोने को तैयार। हम इस तरह क्यों ना जिए, हम ऐसी प्रार्थना की शक्ति अपने अंदर क्यों ना जगाए कि लड़ने की स्थिति हो तो हम क्रोध में ना आए, और रोने की स्थिति हो तो हम टूट के बिखर ना जाएं। यह एक प्रार्थना है मेरे साथ, इस प्रार्थना को आप गाइएगा। ए भी तू शक्ति मने दे जे ओ दाता, ए भी तू शक्ति मने दे जे ओ दाता। देवी तू शक्ति माने दे जे ओ दाता, देवी तू शक्ति माने दे जे ओ दाता। चलती रहूं तारी राह पे दाता, चलती रहूं तारी राह पे दाता।
धार में बहते हुए किनारा सिर्फ ईश्वर है और कोई नहीं हो सकता। और इस जीवन की धार में तुम खूब बहते जाओ, उसका सारा लेकर के जियो, और जो ईश्वर का सारा लेकर जीते वो जीवन में डूब नहीं सकते, उन्हें डूबने का डर नहीं हो सकता। जब हम ईश्वर को भूल जाते हैं, जब हम अपने प्रभु प्यारे को भूल जाते हैं, तब सब डर आते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि जिस मन में ईश्वर भक्ति है उस मन में डर नहीं हो सकता, और अगर डर है तो ये मानना पड़ेगा। अभी हमारे अंदर भक्ति आई नहीं,
अगर भक्ति आती तो हम रोते नहीं, हमें विश्वास होता, हमें ये विश्वास होता कि मेरे ईश्वर मेरे संग हैं, मेरे वही सहारे हैं। और याद रहे, जिसको ईश्वर का सहारा मिला हो उसे किसका भय हो सकता है? किसी का भी नहीं। फिर हम हजार अपराध कर्म कर लें, पर जब हम शरणागति होते हैं ना ईश्वर की, तो वह अकाउंटेंट बन के हमारे पाप पुण्य का खाता नहीं देखता, वो स्वीकार करता है, वो अंग लगाता है, हृदय लगा लेता है। दुनिया में किसी से भूल लड़ाई गलती हो जाए ना, तो दुनिया वाले उसको कभी क्षमा नहीं करते, जीवन भर उसको सुनाते रहते, जीवन भर उसको ताना मारते रहते। लेकिन हजार अपराध करके भी कोई सच्चे हृदय से अपने सद्गुरु के सामने नतमस्तक हो जाए तो सद्गुरु का कृपा भरा हाथ सिर पर आ जाता है तुरंत। गुरु ये नहीं कहता तूने ये किया ये किया ये किया ये किया, अब छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जब हम ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाते हैं और हमारा जो भी गुण है जो भी अवगुण है वह दुनिया से हम छुपा सकते हैं या झूठ दिखा सकते हैं, पर ईश्वर से तो नहीं, तो उसके सामने तो हम नंगे हैं, वो जानता है हमको। इसलिए ये विचार ये ख्याल ये भाव अगर मन में बना रहे, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, उनकी कृपा मेरे साथ है, अगर उनकी कृपा ना होती तो इस शरीर में जीवन ना होता, जीवन है तो उसकी कृपा। खलील जिब्रान ने यह बात कही थी कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो मैं बहुत हंसता हूँ, खूब नाचता हूँ, खूब नाचता हूँ, इसलिए कि परमात्मा आज भी अपने इंसानों से नाराज नहीं हुआ है, तभी तो एक और नया मनुष्य भेज दिया उसे। इसका माने वह आज भी हम मनुष्यों से हतोत्साहित नहीं हुआ, इसलिए एक और नया मनुष्य का सृजन हो गया। तो एवरी न्यू बॉर्न बेबी इज द मैसेज फ्रॉम लॉर्ड, आई स्टिल लव यू। तुम कितनी गलतियां करो कोई बात नहीं, बट मैं तो फिर प्रेम करूं तुमसे। ये विश्वास अंदर हुए, और फिर इस विश्वास के साथ ये जो छोटी छोटी बात पे तुम रोने लगते हो, परेशान होने लग जाते हो, थोड़ा सा तुम इससे अपने आप धीरे धीरे निकल जाओगे। फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा, सम शीतोष्ण सम सुख दुख, ये जो गीता का संकेत है, संदेश है, ये भी हमारे जीवन में आ जाएगा। कितना बड़ा दुख हो जाए हम सम हैं, कितना बड़ा सुख हो जाए हम सम हैं। वी डोंट गेट टू एक्साइटेड इन हैप्पी टाइम्स एंड वी डोंट क्राई व्हेन इट इज़ अ बैड टाइम। हम दोनों हालत में अपने आप को संभाव में रख सकते। अब इस मानसिक समता बुद्धि के ज्ञान तक पहुँचाने के लिए हमारा श्वास का नियंत्रित संतुलित होना बहुत आवश्यक है। हम सब अगर अपने मन को ज़्यादा वेगों में न जाने दें और थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास रोज करने लग जाएं और थोड़ा भाव से, देखिए आप जिस भी मत को मानते हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जिस भी संप्रदाय को आप मानते हैं, हर संप्रदाय में कोई ना कोई मंत्र रहते हैं, तो आप किसी उस अपने इच्छा अनुसार आपके जो संप्रदाय है उसमें जो भी मंत्र आपको देते हैं उस मंत्र के साथ थोड़ी देर बैठ जाना अच्छा है। देखिए एक तो होता है कि आप माला के साथ जप करें, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसको अगर आप श्वास के साथ करेंगे तो उसका प्रभाव ही कुछ और हो जाएगा। आप श्वास अंदर भरें, अमन मंत्र चले, इसे हम सगर्भ प्राणायाम कहते हैं।